हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने सोचा था मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, पर मैंने कैमरा ऑन कर लिया। यानी मैंने कल भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया, परसों भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया, और आज भी पूरे दिन कोई व्लॉग शूट नहीं किया। देखिए पसीने, गर्मी, फैन ऑफ है, चल ही नहीं रही वाला, फैन ही वाला चल रहा है बस। तो सोचा था नहीं करूँगी व्लॉग शूट, फिर ना मैंने कहा चलो कर लेते हैं, क्या करें। तो मैंने जस्ट अभी ग्लूकोज का पानी बना के पिया, थोड़ी सी एनर्जी आई काम करने के लिए। दूध बॉइल करने के लिए रख दिया है, और मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी बनानी है अपने लिए। इनके लिए आटा बना के रखा। इनका फ़ोन आ गया था, वही मैं पूछ रही थी कि कब तक आएंगे ड्यूटी से, ड्यूटी गए हुए ना, तो पानी के लिए पानी नहीं है ना बिल्कुल, सिर्फ ये एक इतना सा पानी निकला है। तो खाना बनाने के लिए तो पानी चाहिए, मतलब खिचड़ी बनाने के लिए। आटा तो लग चुका है, सब्जी सुबह ही बनाई थी मैंने, आलू टमाटर मिर्च छौंकी थी मैंने, वही रखी है, दही रखी है इनके लिए, दूध बॉइल हो रहा है, और देखती हूँ दलिया भी अगर बना के रखना हुआ, क्योंकि इनको दलिया चाहिए होता है सुबह, दही के साथ मतलब मट्ठे के साथ, उसमें दलिया घोट दो, वैसे चाहिए होता है। तो करती हूँ, पानी आएगा तभी होएगा ये सारा काम। तो वेट कर रही हूँ, बाहर बर्तन वॉश करती तो देखो धूप आ रही है अभी वहाँ पर, तो इसलिए बर्तन वॉश नहीं कर रही है। और समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ यार, पता हूँ मन सा उठ रहा है यूट्यूब से, मन उठने लगा है यार। 2 साल बहुत बड़े मायने रखते हैं, साल के 365 दिन, तो 2 साल के प्लस कर लीजिए, इतना जमा प्लस मुझसे नहीं रहती कुछ बैठेगा, इतने दिन हो गए। और इतनी सी भी ना तरक्की किसी भी वीडियो में नहीं मिली है मुझे, समझ नहीं आता क्या करूँ। आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे। तो पानी की बोतल आ चुकी है, लगा देते हैं इसे इसमें, और इसका ढक्कन मैं उसे खोलती हूँ ग्लास से। ये हो गया फिट, और पानी निकालना हो तो बहुत इजी है, ऊपर से इसको प्रेस करना पड़ता है, पानी निकल जाता है। आजकल तो मैंने बटन वाला भी देखा है सिस्टम की, बटन प्रेस करो और अपने आप उसमें से पानी आने लगता है, इसमें तो ऐसे प्रेस दबाना पड़ता है तब पानी आता है। तो पानी आ गया है तो हम अपना काम करते हैं। दूध बॉयल हो चुका है, गैस मैंने ऑफ कर दिया, देखिए, और ढक दिए जाली से। और ये जाली हम लाए थे 10 या 20 रुपीज़ की थी, इससे ज़्यादा की नहीं थी, संडे मार्केट जो हमारे यहाँ लगती है ना उससे लेकर आई थी। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से तो मैं गई नहीं हूँ। तो मैं करती हूँ, इधर की गैस पर रख देती हूँ खिचड़ी बनने के लिए, इधर की गैस पर करा दूँगी रोटी। मैं जल्दी बना देती हूँ खाना, क्योंकि हमारे घर में जल्दी खा लेते हैं खाना, ऐसा नहीं है कि 9-10, और रात का खाना ना मैं ये नहीं कहूँगी कि जो शहर के लोग हैं तो 9-10 बजे खाओ, गाँव के हैं तो इतने बजे खाओ, नहीं, शाम का खाना जल्दी खा लेना चाहिए, ये नहीं कि 10 बजे तक खाओ, क्योंकि फिर यार खाना डाइजेस्ट होने के लिए भी तो टाइम लगता है। अब तुम उस खाने को खाओगे और फट लेट जाओगे, बैठ जाओगे, तो फ़ायदा नहीं है। अब हम जैसे हम खाना बना लेंगे तो 7-8 बजे तक जैसे भी हम खाना खाते हैं, उसके बाद जो भी हमारे काम होते हैं हम वो करते हैं, ये तो है नहीं कि लेट जाएंगे, थोड़ी देर हम इधर उधर डोलते हैं, छत पर चले जाते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये चावल भी मेरे ना फूल चुके हैं, और 2 बार मैं वॉश कर चुकी हूँ, 3री बार है, मैं इसका पानी निकाल के आ जाती हूँ। और सिंपल बनाऊंगी, थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी और जीरे का तड़का बस, और फिर चावल और हल्दी और नमक और कुछ नहीं। तो बस मैं यहाँ पे जो दूध का पतीला है उसको हटा रही हूँ वहाँ से, ताकि मैं उस गैस पे कुकर रख सकूँ खिचड़ी बनाने के लिए। और उधर खिचड़ी छौंकने के बाद दूध के पतीले को मैं इस गैस से भी हटा के अलग रख दूँगी, क्योंकि इस गैस पे फिर मैं रोटी बनाने लगूँगी, और उसके बाद जब मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं दलिया बनाऊँगी। तो मैं आपको देख रही हूँ, और मैं काम करते करते आपसे बातें करने की कोशिश करना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बातें करते करते, तो मैंने कहा सिर्फ काम दिखाते हैं आपको, बातें थोड़ी कम करते हैं। फिर भी इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी हैं। अगर आपको मेरा ये बातूनी वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, नीचे सब्सक्राइब लिखा है प्लीज़ उस बटन को प्रेस करना, और वीडियो को पूरा वॉच करना।
दिया बन रहा है, थोड़ा ही बनाया है तो मैंने इस छोटे से उसमें ही रख दिया बनने के लिए। गैस भी मैंने दलिया बनने के लिए रख दिया है, गैस को स्लो कर रखा है, धीरे धीरे वो बनता रहेगा, तब तक मैं सोचा फ्राई कर लेती हूँ। और टाइम 7:45 का हो चुका है, 7:45 हो गए हैं और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, मैं उससे बात करने लगी थी, लड्डू की मम्मी, उनका कॉल आ गया था। जो लोग मुझे जानते होंगे, पहले से मुझे फॉलो कर रहे होंगे, मैंने अपना यूट्यूब चैनल उन्हीं के घर से शुरू किया था, जब मैं उनके घर पे वहाँ पे रहती थी ना, उनके ऊपर फ्लोर पे, तो तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तब मैं सिर्फ DIY वीडियोज़ वगैरह ही डालती थी, और अभी दूसरे सुबह मैंने वॉश किया था तो मैं एक तय लगाने लगी हूँ, और कूलर मैंने ऑफ़ किया है, आपसे बात करने के लिए फ़ैन ऑफ नहीं किया है, आप थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझिएगा, बहुत गर्मी लगती है यार, सॉरी तो गर्मी लगती है, इस वजह से नहीं ऑफ़ किया फ़ैन मैंने, पर कूलर मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि कूलर तो बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो उस कमरे में भी अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देती ना, इतना शोर आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, और ये अभी तक आई नहीं है ड्यूटी से। तो मैं सोच रही ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, और देखो मैंने दूध ठंडा करने के लिए कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। यकीन अगर आप मुझ पर यकीन करते होंगे ना, मैं आपको बताती हूँ उस कमरे में कितनी गर्मी है। जो मैं बर्तन वॉश करके रखती हूँ ना, जैसे अब मैं शाम को किचन में जाती हूँ दूध बॉयल करने के लिए पतीला लेती हूँ, इतना पतीला गर्म होता है, मतलब धुले हुए बर्तनों में से ही पतीला उतारती हूँ, इतना गर्म होता है कि पकड़ा भी नहीं जाता है, जैसे गैस से मैंने उतार लिया वो इतनी तेज़ गर्म होता है, मतलब बहुत गर्मी है उस कमरे में। आप कहीं कुछ जुगाड़ कर लीजिए, उस कमरे में क्या जुगाड़ हो सकता है, कुछ मेरे हिसाब से कुछ जुगाड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि खाना वाना बनाते हो ना तो फ़ैन ऑन कर सकते हैं, हाँ फ़ैन ऑन करेंगे तो वो भी गर्म हवा देता है, क्योंकि ऊपर जो छत है ना वो गर्म हो जाती है, तो गर्म हवा नहीं देगा, ठंडी हवा नहीं देगा, तो बहुत गर्मी हो रही है। तो गर्मी में थोड़ा अपना ध्यान रखिए, और पानी खूब पीजिए, पानी पीजिए खूब, ग्लूकोज का, मैंने भी ग्लूकोज का पानी पिया, और मेरे कपड़ों की भी तय हो गई है, उनको अलमीरा में लगा देती हूँ। तो आज का अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, मैसेज आ रहे हैं, वही लड्डू की मम्मी मैसेज कर रही है मुझे, तो कमेंट करना, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर से लिखा है सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए ऐसे फिंगर से, फिर आएगा घंटी का आइकन, उसे भी दबा दीजिए फिंगर से ऐसे, और फिर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे एक नई ब्लॉग के साथ, नई होप नई आशा नई उमंग और नई जर्नी के साथ। आपने मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखा यानी एंड तक देखा, उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, अदा करती हूँ आप लोगों को कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कि मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच कर रहे हैं, तो थैंक्स कहना तो बनता है यार। तो बाय बाय, कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।